वेलकम बच्चों। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो श्री कृष्ण और सुदामा बहुत ही अच्छे मित्र थे और उनकी मित्रता का मिसाल आज भी दिया जाता है, आज भी उन्हें याद किया जाता है सच्ची मित्रता के लिए। तो आइए आज हम लोग श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर उसी से संबंधित है। आइए देखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। ये क्लास 3 का इंग्लिश बुक है, चैप्टर 10 है और चैप्टर का नाम है ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची मित्रता। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं हिंदुरातन दास स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जेनिटर, जेनिटर का मतलब होता है द्वारपाल, जो चौकीदार होता है या द्वारपाल होता है, द्वार में खड़ा रहता है, उसे जेनिटर बोलते हैं। जेनिटर लुकिंग एट पुअर ब्राह्मण सुदामा, गरीब ब्राह्मण सुदामा की तरफ देखते हुए बोलता है, हु आर यू, कौन हो तुम, व्हाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो। सुदामा बोल रहे हैं, आई हैव कम टू सी लॉर्ड कृष्णा, मैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए आया हूँ। फिर जेनिटर बोल रहा है, नो यू कैनॉट मीट लॉर्ड कृष्णा, नहीं तुम श्री कृष्ण से नहीं मिल सकते, ही इज एंगेज्ड इन सम अफेयर्स, वे अपने किसी कार्य में बिजी हैं, वे किसी कार्य में व्यस्त हैं। सुदामा फिर से बोलता है, बींग वेरी हम्बल एंड विथ फोल्डिंग हैंड्स, वो बहुत ही विनती करके और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि ही इज माई फ्रेंड, वह हमारे दोस्त हैं। यू गिव माई मैसेज टू हिम दैट योर फ्रेंड सुदामा हैज कम टू सी हिम, वे विनती करके बोल रहे हैं कि आप कम से कम उनको मैसेज दे दीजिए, संदेश दे दीजिए कि आपका एक मित्र आया हुआ है जो आपसे मिलना चाहता है। सर्टेनली ही विल अलाउ मी टू सी, वो निश्चित रूप से वो मुझे मिलने की आज्ञा दे देंगे। जेनिटर द्वारपाल गोइंग टू लॉर्ड कृष्णा गिव्स हिम द मैसेज ऑफ सुदामा, वह श्री कृष्ण के पास चला जाता है और सुदामा का संदेश देता है, लॉर्ड ए पुअर ब्राह्मण हैज कम इन द कोर्टयार्ड, कि महाराज एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया हुआ है। ही टेल्स हिज नेम सुदामा, वह अपना नाम सुदामा बतला रहा है, एंड ही सेज दैट ही इज योर फ्रेंड, और वह कह रहा है कि वो आपका मित्र है। ही वॉन्ट्स टू सी यू लॉर्ड, वह आपसे महाराज वह आपसे मिलना चाहता है। हियरिंग द नेम ऑफ सुदामा स्टैंड्स अप एट वंस एंड रन्स टूवर्ड्स द गेट, सुदामा नाम जैसे ही श्री कृष्ण सुनता है वह अचानक ही खड़ा हो जाता है और गेट की ओर, दरवाजे की ओर दौड़ पड़ता है। एज ही रिचेज, और जैसे ही वह पहुंचता है, ही हग्स हिज फ्रेंड सुदामा, वह अपने मित्र को गले लगा लेता है और कृष्ण बोलता है, डियर फ्रेंड हाउ आर यू, कि प्रिय दोस्त तुम कैसे हो, आई एम वेरी ग्लेड मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। इट इज़ योर ग्रेस दैट यू आर हियर, यह तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम यहाँ पे आए हो। कृष्णा डियर फ्रेंड हाउ आर यू, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि प्रिय मित्र तुम कैसे हो, आई एम वेरी ग्लेड मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। इट इज़ योर ग्रेस दैट यू आर हियर, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम यहाँ आए हो। डू कम इन, कृपया करके अंदर आ जाओ। सुदामा बोथ इंटर्स द पैलेस एंड सुदामा सिट्स देयर, दोनों महल के अंदर आ जाते हैं, सुदामा वहाँ बैठ जाता है और बोलता है, आई एम ऑल्सो वेरी मच डिलाइटेड माई फ्रेंड कृष्णा, कृष्ण मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, योर भाभी हैज इंस्पायर्ड मी टू मीट यू, तुम्हारी भाभी ने मुझे प्रेरित किया तुमसे मिलने के लिए। देन सुदामा टेक्स आउट फ्राइड राइस, फिर सुदामा ने वो भुना हुआ चावल निकालता है, प्लीज़ हैव इट, कृपया करके इसे ले लो, योर भाभी हैज़ गिवेन फॉर यू, कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए दिया है। कृष्णा एक्सेप्ट्स ग्लेडली, श्री कृष्ण खुशी खुशी उसे ले लेते हैं। कृष्णा, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कैन आई डू एनी हेल्प फॉर यू, क्या मैं तुम्हारा किसी प्रकार का कोई मदद कर सकता हूँ। सुदामा बोलता है कि नथिंग, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई हैव कम टू सी यू ओनली, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी हियर माई फ्रेंड, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मेरे दोस्त कि मैं तुमसे मिल सका। कृष्णा गिव्स ए वार्म रेस्पेक्ट टू सुदामा, श्री कृष्ण उनको बहुत ही सम्मान देते हैं, बहुत खातिरदारी करते हैं। वैन ही रिटर्न्स हिज होम ही सर्चेज फॉर हिज हट, जब वह अपने घर वापस आ जाते हैं, सुदामा जब वापस आ जाते हैं घर, तो वह अपने कुटिया को खोजते हैं क्योंकि वो कुटिया में रहते हैं। देर इज ए बिग बिल्डिंग एट द
प्लेस ऑफ हट। उस कुटिया के जगह पे बहुत बड़ा एक महल था। इट इज़ द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, निश्चय ही यह श्री कृष्ण की कृपा है, उन्होंने इस महल को बनवा दिया। सुदामा, सुदामा यहाँ देखकर अचंभित हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनका कुटिया था जो अब इसके कुटिया के जगह पे बहुत बड़ा सा महल बन गया है। सुदामा देखते हैं और अचंभित हो जाते हैं, ये कैसे हुआ। उनको पता चल जाता है कि निश्चित रूप से श्री कृष्ण ने ही किया होगा। सुदामा एंड वाइफ, सुदामा और उनकी पत्नी दोनों मिल के बोलते हैं, रियली लॉर्ड कृष्णा इज ग्रेट, सचमुच श्री कृष्ण बहुत महान हैं। ही इज़ ए ट्रू फ्रेंड, वे एक सच्चे मित्र हैं। सुदामा फिर बोलते हैं, इंडीड इट इज़ ए ट्रू फ्रेंडशिप, सचमुच यही है सच्ची मित्रता। और यहाँ पे चैप्टर 10 समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यह इस चैप्टर में उपयोग होने वाले नए वर्ड न्यू वर्ड्स दिया हुआ है, इसे पढ़कर आप लोगों को याद कर लेना है। एंसर द फॉलोइंग, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 2 नंबर में यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए दिया हुआ है और 3 नंबर में इसका प्लुरल करने के लिए दिया गया है, सिंगुलर टू प्लुरल, यहाँ सिंगुलर वर्ड दिया हुआ है, इसको प्लुरल बनाना है। और 4 नंबर में इंसर्ट मिसिंग लेटर्स एंड मेक द नेम्स ऑफ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं जो कि बीच बीच में लेटर गायब हैं, इसको भरना है। तो आइए मैं आप लोगों को इसके आंसर बना के दिखाता हूँ। यह चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डज सुदामा कम टू द पैलेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सुदामा कम्स टू द पैलेस टू सी लॉर्ड कृष्णा ओनली। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सुदामा एंड कृष्णा, दे आर ट्रू फ्रेंड्स। हियरिंग द नेम ऑफ सुदामा व्हाट डज कृष्णा डू, हियरिंग द नेम ऑफ सुदामा स्टैंड्स अप एट वंस एंड रन्स टुवर्ड्स द गेट, एज कृष्णा रीचेज ही हग्स हिज फ्रेंड सुदामा। व्हाट थिंग सुदामा गेव टू कृष्णा, सुदामा गेव हिम फ्राइड राइस विच हिज वाइफ हैड गिवेन टू कृष्णा। व्हेन सुदामा रिटर्न्स होम व्हाट डज ही फाइंड, व्हेन सुदामा रिटर्न्स होम ही फाइंड्स ए बिग बिल्डिंग एट द प्लेस ऑफ हिज हट। क्वेश्चन नंबर 2 में सेंटेंस बनाने के लिए दिया हुआ है, हम्बल सुदामा इज वेरी हम्बल, कोर्टयार्ड मेनी पीपुल प्रेजेंट इन द कोर्टयार्ड, फ्रेंड ही इज माई फ्रेंड, ग्लेडली आई टेक गिफ्ट ग्लेडली, फॉर्चुनेट आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू डू इट, ग्रेट ही इज रियली ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 में प्लुरल फॉर्म बनाने के लिए दिया गया है, ये रेड कलर में जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है और ये ब्लैक कलर वाला प्लुरल फॉर्म में है, आप इसको देखकर भर सकते हैं अपने बुक में। इंसर्ट मिसिंग लेटर्स, यहाँ पे जो बीच बीच में लेटर्स गायब था उसको मैंने पूरा वर्ड बना दिया है, जो लेटर वहाँ पे बुक में गायब है यहाँ पे आप पूरा वर्ड को देखकर उसमें भर सकते हैं। और यहाँ पे चैप्टर 10 पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।